जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हम इतनी पूजा आराधना करते हैं, माँ भगवती की इतनी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें देवी कृपा क्यों प्राप्त नहीं होती। ऐसी हमारी कौन सी त्रुटियाँ होती हैं जिसके कारण माँ भगवती चाहकर भी हम पर कृपा नहीं कर पाती। देखिए, ऐसे बहुत से घर होते हैं जिन घरों में जब आप कदम रखते हैं तो आपको स्वयं ही पता लग जाता है कि इस घर में सकारात्मक ऊर्जा है, यानी सकारात्मक ऊर्जा का पूरा पूरा प्रभाव आप स्वयं महसूस कर पाते हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां आप बाहर से देखते ही ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, एक मनुष्यत सी अलग ही दिखाई देती है। तो इसका क्या कारण होता है? कुछ तो ऐसा कारण होगा जिस कारण से वहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं होती। तो ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो हम अनजाने में करते हैं और जिस कारण से माँ भगवती चाहकर भी अपनी कृपा नहीं कर पाती। देखिए, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो माँ भगवती को मानते हैं, लेकिन जो माँ को मानने वाले हैं उनमें महिलाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुष माँ को नहीं मानते, महिला और पुरुष दोनों ही माँ भगवती की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं। जब आप माँ दुर्गा की कोई भी पूजा आराधना अपने घर में प्रारंभ करते हैं और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाते हैं तो आपको माँ काली की कृपा भी स्वतः ही मिलने लगती है, क्योंकि माँ काली माँ दुर्गा का ही रुद्र रूप है। और जो कृपा होती है, कृपा का अर्थ ये होता है कि आपके घर में सुख है, समृद्धि और शांति है। अगर आपके घर में ये तीनों चीज़ हैं तो आप पर माँ की साक्षात कृपा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए जिससे हमें देवी की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही नियम मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, पहला नियम तो ये कि कोई भी पुरुष अपने घर की स्त्री को ना तो अपशब्द कहे और ना ही मारे या पीटे। अगर जिस घर में भी स्त्री को अपशब्द कहे जाते हैं, उनकी पिटाई की जाती है या उनसे लड़ाई की जाती है या अपनी बहू बेटी को गालियों से बात की जाती है, तो वहाँ पर जो तीनों देवियाँ होती हैं वो घर छोड़कर चली जाती हैं। तीनों देवी में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाकाली, और इन्हीं तीनों का जो रूप होता है वो माँ दुर्गा होती हैं, वो सभी उस स्थान को छोड़ देती हैं। जहाँ पर स्त्रियों का मान सम्मान नहीं होता वहाँ पर देवी कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। जिस घर में स्त्री पुरुष झगड़ा करते हों, यानी किसी ना किसी बात पर उनकी अनबन रहती हो, किसी ना किसी बात पर कलेश रहता हो, तो ऐसे घर में भी देवी कृपा बिल्कुल नहीं आती। और जिस घर में मासिक धर्म के नियमों का पालन नहीं किया जाता, जो नियम होते हैं उनका कड़ाई से पालन नहीं होता, तो वहाँ पर भी देवी कृपा बिल्कुल नहीं होती। और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी स्त्रियों को तड़पाते हैं, किसी ना किसी कारण से उन्हें परेशान रखते हैं, और उन्हें ऐसे ऐसे कारण होते हैं, छोटे छोटे कारणों के कारण उनका मन को कहते हैं विचलित करते हैं, तो उस घर में भी किसी पुरुष को या स्त्री को देवी कृपा बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में देवी कृपा हो तो आपको अपनी स्त्री को प्रसन्न रखना चाहिए। जो मनुष्य अपने घर में माता पिता की सेवा नहीं करता उनको भी देवी कृपा प्राप्त नहीं होती। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सभी धर्म कर्म के कार्य करते हैं लेकिन अपने घर में माता पिता की सेवा बिल्कुल नहीं करते, उनका मन अपने माता पिता से खिन्न रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर भी देवी कृपा बिल्कुल नहीं आती। और जो स्त्रियाँ अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती उनको भी देवी कृपा प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति नवरात्रि में कन्या पूजन नहीं करते, कन्याओं का आदर सम्मान नहीं करते, उनको भी देवी कृपा बिल्कुल प्राप्त नहीं होती। और अगर आप देवी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, और किसी भी देवी मंदिर में जा करके आप 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, या तो आप नवरात्रि में चढ़ा सकते हैं या कभी भी अष्टमी के दिन आपको माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, इससे भी आपको देवी कृपा प्राप्त होती है। जो स्त्री 16 श्रृंगार करके रखती है, आज के समय में वैसे तो स्त्रियां श्रृंगार नहीं करती क्योंकि श्रृंगार करना एक ऐसा उन्हें लगता है एक आडंबर सा दिखाई देता है, वो लोग फ्री रहना चाहती हैं, श्रृंगार करने में उनका कहते हैं मन नहीं है। और अगर कोई स्त्री
श्रृंगार करती है तो वो आलोचना का पात्र बन जाती है। ये मैंने अपने आसपास भी देखा है, जो स्त्री ज़्यादा श्रृंगार करके रखती है उसको अन्य स्त्रियाँ ही आलोचना का पात्र बना देती हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अजीब अजीब से शब्दों से उसको परिभाषित किया जाता है। लेकिन जो स्त्रियाँ श्रृंगार करके रखती हैं उनके ऊपर माँ भगवती की साक्षात कृपा होती है। जिस स्त्री में प्रेम दया का भाव वात्सल्य नहीं होता उस स्त्री पर भी देवी की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती, ना ही कोई कृपा मिलती है और ना ही कोई आशीर्वाद मिलता है। इसलिए स्त्री के अंदर प्रेम का भाव, ममता का भाव, वात्सल्य, ये सभी चीज़ें होना आवश्यक है अगर वो देवी की कृपा प्राप्त करना चाहती है। हर मनुष्य को रोज़ अपने घर में अगर वो चाहता है कि उसको देवी की कृपा प्राप्त हो तो देवी स्तुति करते रहना चाहिए, देवी का पूजा पाठ करते रहना चाहिए। कोई भी स्त्री या पुरुष उन दोनों में से किसी को भी किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई स्त्री बिना मतलब में या पुरुष बिना किसी कारण के झूठ बोलते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में माँ भगवती उनको छोड़कर चली जाती है, क्योंकि माँ को झूठ बोलने वाले व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं होते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको कभी भी जीवन में देवी कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। देवी कृपा क्या, उनको कुल देवी की भी कृपा बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आप देवी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर पर इत्र लगाना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि माँ भगवती आप पर कृपा करें तो आपको किसी देवी साधक को गुरु धारण करना चाहिए। ऐसा करने से भी माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं। जिस घर में नित्य प्रति पूजा पाठ होता है उस घर में भी माँ भगवती की कृपा होती है, और जिस घर में दान आदि, भंडारा, अन्नदान आदि होता रहता है वहाँ पर माँ भगवती की कृपा साक्षात रूप से होती है। जो व्यक्ति माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उनको अपने घर में प्रत्येक मंगलवार को हलवा या खीर का भोग लगाना चाहिए। यानी आपको हलवा या खीर अवश्य अपने घर में मंगलवार के दिन बनानी चाहिए, और बना करके अपने भगवान को भी भोग लगाएं और अपने परिवार में भी वो सभी चीज़ अपने परिवार के सदस्यों को खीर या हलवे में से एक चीज़ बना करके उनको खिलाएं, यानी उनका मुंह मीठा कराएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी आपके घर में परेशानियां हैं या मांगलिक कार्य रुके हुए हैं वो कार्य आपके होने प्रारंभ हो जाएंगे। आपको अपने घर में सूतक पातक के नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही अपने घर में जितना हो सके आपको पूजा पाठ आदि करना चाहिए। माँ भगवती की स्तुति करनी चाहिए, कन्याओं का पूजन करना चाहिए, और नवरात्र में यथाविधि माँ की पूजा करनी चाहिए। अगर आप ये सभी करते हैं तो आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये सभी बातें अगर आप ध्यान से करते हैं, और जो चीज़ें नहीं करने की हैं वो ना करें, और जो करने की हैं वो आपको करनी चाहिए, तो माँ भगवती की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। क्योंकि माता रानी अपने भक्तों पर सदा दया करती हैं, क्योंकि उनका मन ममतामयी है, वात्सल्य पूर्ण है, और माता रानी किसी को भी किसी प्रकार से, कहते हैं माँ भगवती किसी को अपने दरवाजे से खाली झोली जाने नहीं देती, वो सबकी झोलियाँ भरती हैं, सबके भंडारे भरती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे तो उनके नियमों का पालन करें और उनकी कृपा इसी प्रकार से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेते हैं। सब्सक्राइबर हैं आर के सागर, इन्होंने कहा है, जय माता दी माँ, थैंक्स, आपने नींबू की माला को लेकर मेरा मार्गदर्शन करा। माँ जी, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरी इष्ट माता दुर्गा जी हैं और मैं अपने घर के मंदिर में ही पूजा करता हूँ काफ़ी समय से। मैंने अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा, माँ काली की को विराज कर रखा है। पहले मैं इष्ट दुर्गा माँ का दीपक जलाता हूँ, फिर माँ काली का। माँ, पहले माँ दुर्गा जी की तरफ मन ज़्यादा भागता था, अब कुछ टाइम से माँ काली की तरफ भाग रहा है। माँ, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं दोनों माता से बहुत प्रेम करता हूँ, प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। माँ, माफ़ करना, ज़्यादा लंबा हो गया। देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपकी जो इष्ट हैं वो माँ दुर्गा हैं और आप माँ काली की भी पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका मन माँ दुर्गा की बजाय माँ काली की तरफ जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो दोनों शक्तियाँ हैं वो एक ही हैं।
अगर आप इसमें अंतर करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता मैं मानती हूँ, क्योंकि माँ दुर्गा और माँ काली में कोई अंतर नहीं कर सकता, कोई भेद नहीं कर सकता, दोनों एक ही शक्ति हैं, माँ भगवती का रुद्र रूप माँ काली है। तो अगर आपके साथ ऐसा है, अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा की कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त होती है, और अगर आप माँ दुर्गा की करते हैं तो माँ काली की कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त होती है। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो तो माँ की इच्छा है कि कौन आपको किस तरफ खींचता है। तो आप इसको लेकर के अपने मन में दुविधा ना लाएं, आप तो केवल एक देवी उपासक हैं, केवल यही बात अपने ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है सुमन दीक्षित का, इन्होंने मुझसे पूछा है, जय माता दी, माँ मेरे पास माला है जो मैंने दुकान से लाई थी, क्या जाप कर सकते हैं? देखिए सुमन जी, अगर आपके पास माला है और आपने दुकान से खरीदी थी तो इसका अर्थ यह है कि माला चैतन्य नहीं है, अभिमंत्रित नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले आपको अपनी माला को अभिमंत्रित करना होगा, उसी के बाद में आपको उससे जाप करना चाहिए, क्योंकि अभिमंत्रित करने से माला की पावर बढ़ जाती है, साथ ही जो जाप आप करते हैं उसका आपको कई गुना फल मिलता है, और जब जाप एक निश्चित संख्या पर पहुंच जाता है तो आपकी माला भी सिद्ध हो जाती है, और सिद्ध होने के बाद में माला आपको पूछा देती है। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं जाप करना तो आपको अभिमंत्रित माला ही लेनी चाहिए, तभी आपका जाप भी सफल होगा। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, सभी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।